ये आशंका इस बार कई जगहों पर जताई जा रही है। तो हमारे साथ जैसा विवेक को आपने देखा, हर काउंटिंग सेंटर पर, हर महत्वपूर्ण काउंटिंग सेंटर पर न्यूज 18 मौजूद है, इसलिए ये स्क्रीन जो है आपके सामने जो है वो सीधा काउंटिंग सेंटर से आंकड़े दे रही है। इसलिए हम कह रहे हैं ये सबसे सटीक होने वाले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं ये सबसे तेज होने वाले हैं, इसलिए आपको न्यूज 18 इंडिया पर बने रहना है, इसलिए बने रहना है, और इसीलिए हम ब्रेक भी नहीं लेने वाले हैं। हम ब्रेक नहीं लेने वाले हैं जब तक सरकार नहीं बन जाती, हम ब्रेक नहीं लेने वाले हैं जब तक तस्वीर क्लियर नहीं हो जाती, हम ब्रेक नहीं लेने वाले हैं जब तक पता नहीं चल जाता कि 2024 में लोकसभा में बहुमत किसका है, कौन सा गठबंधन आगे रहकर सरकार बनाने वाला है। ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन ऐसे रहेगी। ऊपर की पट्टी में आप देख रहे हैं ये पूरा लोकसभा का आंकड़ा 543 सीटों का, वो अभी एक एनडीए को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सूरत की सीट जो है वो निर्विरोध जीत चुकी है बीजेपी। और अपने आप देखिए स्क्रीन के बाईं तरफ आपको राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, बाईं और दाईं तरफ, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में क्या होगा, तमिलनाडु की 39 सीटों पर क्या होगा, और बीच में आप एक तरफ देख रहे हैं जो बड़े चेहरे हैं वो अपनी सीटों पर कैसे। इस बार ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ईस्टर्न यानी कि उड़ीसा, बंगाल और पूर्वोत्तर, जी जी जी, और झारखंड भी आप एक, हाँ, खासतौर पर उड़ीसा, बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा तेलुगु स्टेट से यानी आंध्रा और तेलंगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वहां पर जो है इस बार कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसा विवेक ने बताया 48 सीटें हैं, शिवसेना वर्सेज शिवसेना है, और एनसीपी वर्सेज एनसीपी है, विपक्ष कह रहा है कि हम 40 जीत रहे हैं, जी जी। और इसके अलावा जो तीसरी जो चौथी स्टेट है जो बहुत बहुत ज्यादा इस समय मायने रखती है और वो इंपॉर्टेंट रहेगी, वो राजस्थान रहेगी, और उसके बगल की स्टेट हरियाणा रहेगी, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स के अंदर भी ऑपोजिशन को एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अपने चरम पर थी 2019 के अंदर, 25 में से 25, 29 में से 28 मध्य प्रदेश के अंदर, 10 में से 10 हरियाणा के अंदर, और बिहार में बोलिए 40 में 39 थी, 40 में 39 थी। वहां पर अगर बीजेपी लूज करती है तो बीजेपी अपने ग्राउंड को पकड़ कहां रही है, और एग्जिट पोल के मुताबिक, न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक भी बीजेपी अपने ग्राउंड को कहां इंप्रूव कर रही है वो इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर बीजेपी ओडिशा, बंगाल यहां पर इंप्रूव कर रही है, और मैं खुद ओडिशा बंगाल गया हूं और वहां पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति है, और ओडिशा में तो ये, और आंध्रा में तो विधानसभा इलेक्शन भी है, जी जी, आंध्रा और उड़ीसा दोनों में विधानसभा इलेक्शन भी है, और वहां पर भी बीजेपी को अच्छी खासी उम्मीद है, खासकर उड़ीसा में तो सरकार बनाने तक की उम्मीद है। खैर, इन सब राज्यों के अलावा दिल्ली, 7 सीटें दिल्ली की, 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी पिछली बार, लेकिन इस बार 6 कैंडिडेट बदल दिए। हाँ, इस बार 6 कैंडिडेट बदल दिए, एक कैंडिडेट नहीं बदला, मनोज तिवारी नहीं बदले, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं। दिल्ली में एक सीट चांदनी चौक की है, जो एग्जिट पोल जब बताते हैं कि 0-1 या 0-2 विपक्ष को मिल सकती है। और कांग्रेस ने अपने मुझे लगता है कि अपने सबसे प्रभावी नेता को जेपी अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल को लड़ाया है, और जयप्रकाश अग्रवाल बहुत ज्यादा बड़े नेता है, इसमें कोई दोराय नहीं है, उनकी ग्राउंड कनेक्ट अच्छा है। मुझे लगता है कि चांदनी चौक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जयप्रकाश अग्रवाल को नहीं जानता होगा। और चांदनी चौक में जावेद मौजूद है, जी जावेद मौजूद है, जावेद वहां पर मौजूद है। जावेद, क्या हाल? देखिए, चांदनी चौक हम सब जानते हैं, चांदनी चौक अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है और 2 बार से बीजेपी यहाँ काबिज है। मैं जहाँ मौजूद हूँ, प्राचीन गौरीशंकर मंदिर है, अब से कुछ ही देर में यहाँ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं किशोर प्रवीण खंडेलवाल, वो पहुँचने वाले हैं, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, और आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण सभी कैंडिडेट्स के लिए होता है, और सब अपनी पूजा अर्चना से दिन की शुरुआत कर रहे हैं, और उसके बाद फिर काउंटिंग सेंटर जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी पिछले 2 बार का जो प्रदर्शन है वो दोहरा पाएगी, खासतौर से चांदनी चौक जहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन थे, मंत्री रहे, कद्दावर बीजेपी के दिल्ली के नेता रहे, उनका टिकट बदलकर प्रवीण खंडेलवाल जो कि व्यापारी नेता हैं उनको मैदान में बीजेपी ने उतारा है। जेपी अग्रवाल जो कि कई बार सांसद रह चुके हैं और इस इलाके के पुराने रहने वाले हैं, उनसे उनका मुकाबला है। और देखिए, एग्जिट पोल में जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो 0-1 सीट की बात की जा रही है वो चांदनी चौक ही है, लेकिन ये देखना होगा कि जब अंतिम नतीजे आएंगे तो स्थिति क्या रहने वाली है। फिलहाल गौरीशंकर मंदिर पर चांदनी चौक जब बोलते हैं लोग तो बाकी देश के लोगों को बता दें और दिल्ली के लोगों को भी शायद ज्यादा नहीं पता कि
चांदनी चौक की जो लोकसभा सीट है वो सिर्फ चांदनी चौक नहीं है जी, वो काफी आगे शगुर बस्ती तक फैली हुई है। बहुत बड़ी बड़ी सीट है, बड़ी सीट है। खाली खाली वो पुरानी दिल्ली का वो दिल्ली छे का वो इलाका नहीं है। लेकिन जावेद जावेद देख, क्योंकि सुबह का वक्त है और चांदनी चौक में तो नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है, तो क्या नाश्ता करा आपने अभी तक? यहाँ अभी समय नहीं हुआ है, अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल आ गए, उनसे एक बार बात कर लेते। चलिए बहुत अच्छा है, बात कराइए। सर लाइव है आप अमीश जी के साथ लाइव है, एक बार बताइए, एक बार बताइए सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की उम्मीद है? चुनाव हम जीत रहे हैं, चांदनी चौक में रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और दिल्ली की सातों सीटें हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल में जो एक सीट पे कांटे का मुकाबला है वो आप ही की सीट है सर? वो एग्जिट पोल का मुझे पता नहीं, मुझे तो जमीन का पता है और जमीन पर हम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय है। अच्छा सर ये बताइए कि जो प्रदर्शन है वो दोहरा पाएंगे? हमारी सातों सीटें जीत रहे हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए प्रवीण खंडेलवाल अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, उनकी पत्नी यहां पर हैं और आपको तस्वीर एक बार दिखाएंगे। कैंडिडेट हैं चांदनी चौक से, न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले उन्होंने बात की है और दावा किया है कि वो चांदनी चौक जीतेंगे। वो तो सिर्फ अपनी सीट का दावा नहीं कर रहे किशोर जावेद, वो तो दावा कर रहे हैं सातों की सातों सीटें जीतने का। अच्छा अच्छा सवाल पूछा आपने कि जहां कांटे की टक्कर है वो आप ही का इलाका है, आप ही की सीट है। चलिए अब आपसे मैं नाश्ते की बात पूछ रहा था कि आपने क्या खाने की प्लानिंग करी है चांदनी चौक जैसे इलाके के अंदर? दिल्ली छे का तो नाश्ता बहुत मशहूर है जावेद। जब आपने नाश्ते की बात की है तो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है, हालांकि सुबह से हम लोग मैदान में है, आज नतीजे दिखाएंगे, लेकिन अब जब चांदनी चौक आप आते हैं तो निश्चित तौर पर आप नाश्ते पानी के बिना कैसे जाएंगे, लेकिन देखिए हम यहाँ ब्रेक नहीं लेने वाले हैं जावेद, यहाँ ब्रेक रहने वाले, न्यूज 18 इंडिया पर ब्रेक नहीं होने वाला और आप न्यूज 18 इंडिया पर हैं, तो ये नाश्ते की बात पूछकर एक्चुअली आपको चढ़ा ही रहे हैं ये, क्योंकि वो नाश्ते का टाइम तो हम देने वाले नहीं है आपको, आपको सीधा चांदनी चौक और दिल्ली की बाकी सीटों के बारे में भी सीधे सीधे काउंटिंग सेंटर से इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे पूर्वी दिल्ली की काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है मानव यादव। मानव वहां से क्या खबर आ रही है? देखिए बिल्कुल जावेद से आपने पूछा कि नाश्ता किया कि नहीं किया, जनता आज जो असली स्वाद है किसका नमक बिगाड़, किसको ज़्यादा नमक थाली में देगी ये देखना होगा, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर पिछली बार गौतम गंभीर 3 लाख के अंतर से जीते थे। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये मीडिया सेंटर बकायदा बनाया गया, 4-4 कूलर यहाँ पर मीडिया वालों के लिए लगाए गए, क्योंकि जैसी गर्मी अभी हमने देखी है कवरेज के दौरान, तो उससे बचाने की थोड़ी इंतजाम यहाँ पर किए गए। ये पीछे काउंटिंग सेंटर है, सारे इंतजाम यहाँ पर हो गए हैं और यहाँ पर वो ईवीएम्स रखी है जिनमें उन उम्मीदवारों की वहां पर काउंटिंग सेंटर पर भी न्यूज 18 इंडिया ही देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए सुबह से यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने दावा कर दिया है आपने अमीश ने कि आज तो नाश्ता भी नहीं होगा, बिना ब्रेक के न्यूज 18 इंडिया अपने दर्शकों को खबरें दिखाने वाला है, तो यहाँ पर भी न्यूज 18 इंडिया लगा हुआ है, बाकायदा दूसरी स्क्रीन बगल में लगी हुई है जिस पर यह दिखाया जा रहा है कि 8 बजे रुझान आएंगे, आंकड़े आएंगे, और उस स्क्रीन पर एक सहूलियत के तौर पर मीडिया कर्मियों के लिए यहाँ पर लगाई गई है। तो ये तस्वीर है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी एक तरीके से भूमिका निभाता है, मीडिया अपनी भूमिका निभाता है, और यही रंग है चुनाव के जो आज देखने को मिलेंगे कि